त्रिपुरा, जो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है और जिसका पुराना नाम था किरत देश। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 8 स्टेट में से एक स्टेट है। त्रिपुरा भारत की वो जगह है जहां आप नेचर के कुछ वंडर्स का मजा भी ले सकते हैं। हालांकि त्रिपुरा नेशनल और इंटरनेशनल पर्यटकों के बीच ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा कितना बड़ा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है और त्रिपुरा में घूमने की वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जिस इन्फॉर्मेशन की आपको वहां घूमने के लिए जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको त्रिपुरा की जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसकी ज्योग्राफी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वहाँ घूमने का बेस्ट समय क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा के मैप के बारे में, क्योंकि त्रिपुरा घूमने के लिए वहाँ के मैप का एक रफ आइडिया होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिपुरा के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, त्रिपुरा कैसे पहुंचा जाए और त्रिपुरा के अंदर घूमने के लिए आप किस किस ट्रांसपोर्टेशन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस त्रिपुरा घूमने के लिए क्या क्या कोविड इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा में टॉप घूमने के अट्रैक्शन कौन कौन सी हैं और त्रिपुरा में करने के लिए सबसे जबरदस्त एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा के होटल्स, कि त्रिपुरा में रहने की कौन कौन सी जगहें हैं और आप कहां कहां पूरे त्रिपुरा में होटल ले सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा अगर आप एक लग्जरी या फिर एक नॉर्मल ट्रिप बनाना चाहते हैं। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, फिर दबाइए घंटे का निशान और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा स्टेट के बारे में। त्रिपुरा एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है जिसमें करीब 184 राजाओं का शासन रहा है और इस खूबसूरत शहर के आखिरी राजा का नाम था महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य, जिनका देहांत 1947 में हुआ। और त्रिपुरा ही वो जगह है जहां पे फेमस गोमती नदी बहती है जो कि राधा किशोरपुर के पास पूर्वी पहाड़ों से निकलती है। त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी बना था नवंबर 1956 में और ये एक स्टेट बना था 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा के अपने खुद के फेस्टिवल भी हैं जैसे खर्ची पूजा, गारिया और गंगा पूजा। और त्रिपुरा का अपना खुद का फेमस डांस है जिसका नाम है गोरिया डांस, झूम डांस और ममिता। यदि आप त्रिपुरा घूमना चाहते हैं तो त्रिपुरा घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सर्दियों के समय, जो कि है सितंबर से लेकर अप्रैल तक का। उसके बाद मई से लेकर जुलाई तक त्रिपुरा बहुत गर्म होता है। आप उस समय भी यहाँ घूम सकते हैं लेकिन तब गर्मी बहुत होगी। जुलाई से लेकर सितंबर तक त्रिपुरा में रेनी सीजन रहता है जो कि त्रिपुरा की हरियाली बहुत बढ़ा देता है। लेकिन त्रिपुरा में जो जो घूमने की जगहें हैं उनमें से कई जगह आप रेनी सीजन में नहीं घूम सकते, इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप त्रिपुरा घूमने जा रहे हैं तो सितंबर से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं त्रिपुरा के मैप की। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेटों में से एक स्टेट है और यह है त्रिपुरा का नक्शा जो ऐसा दिखाई देता है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ है उसके भारत। और त्रिपुरा को आप मैप में चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जिनका नाम है नॉर्थ त्रिपुरा, धलाई, वेस्ट त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा का सबसे डेवलप्ड टाउन भी है अगरतला। तो अगरतला आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं जैसे फ्लाइट, बस और ट्रेन। फ्लाइट से अगर आप त्रिपुरा पहुंचना चाहते हैं तो आप आएंगे अगरतला, जहां के एयरपोर्ट का नाम है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट, जो कि अगरतला सिटी सेंटर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। बाय ट्रेन त्रिपुरा आने के लिए आपका सबसे पहला स्टेशन पड़ेगा कुमारघाट रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है KUGT, जो कि अगरतला से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। त्रिपुरा का मेन स्टेशन है अगरतला स्टेशन, जिसका कोड है AGTL। बाय बस भी आप त्रिपुरा आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे बड़े शहरों से त्रिपुरा की बस अवेलेबल है जैसे तिलियामुरा, मनु, कुमारघाट, सिलचर, एजावल, द्वारबंद, शिलोंग, इम्फल और गुवाहाटी। अगर आपको त्रिपुरा आना है तो आपको वहाँ के कोविड रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो त्रिपुरा के इंटरस्टेट ट्रैवल गाइडलाइंस के हिसाब से त्रिपुरा एट प्रेजेंट इस समय आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जा सकते हैं। बस आपको दोनों डोजेस लगाना जरूरी है, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपके मोबाइल में होनी चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। तो अगर ये दोनों गाइडलाइंस आपने पूरी कर रखी है तो आप एज अ ट्रैवलर त्रिपुरा की स्टेट में एंटर कर सकते हैं। हालांकि ये गाइडलाइंस है जनवरी 2022 की, जिस समय हमने ये वीडियो डाली है। अगर आपको त्रिपुरा की लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस पता करनी है तो सिंपली गूगल पे जाइए और लिखिए स्टेट वाइज कोविड गाइडलाइंस, और जो आपको सबसे पहले 5 लिंक मिले उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं हर स्टेट की अलग अलग ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है इस कोविड काल में। अब बात करते हैं कि त्रिपुरा में घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं, त्रिपुरा की टॉप अट्रैक्शंस। जैसे हमने त्रिपुरा को पहले चार पार्ट में डिवाइड किया था, तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की। वेस्ट त्रिपुरा में आप घूम सकते हैं वहाँ का फेमस नीरमहल, जहाँ जाने के लिए आप वहाँ के रुद्र सागर
लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। उसी के साथ वेस्ट त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में आप घूम सकते हैं उजंतिया पैलेस, वहाँ का मिनिएचर हेरिटेज गार्डन, वहाँ की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पूरे त्रिपुरा का सबसे फेमस मंदिर जगन्नाथ बरी, और उसी के साथ साथ आप घूम सकते हैं मखली पारा टी एस्टेट भी। अब वेस्ट त्रिपुरा के बाद साउथ त्रिपुरा में जो जो जगह घूमने की है वो है दी अमेजोन ऑफ इंडिया जिसका नाम है छबीमुरा, फिर आप त्रिपुरा का एकमात्र 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर भी घूम सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बाद आप घूम सकते हैं तिपानिया इको पार्क। अब त्रिपुरा के ढलाई एरिया में डम्बूर लेक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है घूमने के लिए, और वहीं पर आपको मिलेगा डम्बूर वाटरफॉल और डम्बूर ब्रिज। नॉर्थ त्रिपुरा की दो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है उन्नाकोटी जहां पे आप पत्थरों में गड़ी कार्विंग्स देख सकते हैं, और जम्पुई हिल्स। त्रिपुरा की इन सारी अट्रैक्शंस की डिटेल वीडियो भी हमने अलग से बना रखी है टॉप प्लेसेस टू विजिट इन त्रिपुरा, जिसका लिंक्स अभी आपको हमारे कार्ड्स में और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन जगहों की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा में करने के लिए सबसे बड़ी एक्टिविटीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी है छबीमुरा की गुफाएं और वहां की मोटर बोट, केव्स ऑफ छबीमुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पड़ता है छबीमुरा हिल्स, जिसे अमेज़न का जंगल भी कहा गया है, और इन्हीं जंगलों की एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप त्रिपुरा के बाहर कहीं भी नहीं कर सकते, और वो है छबीमुरा के केव्स एक्सप्लोर करना। भाई आपको पता नहीं मुझे कि आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं, लेकिन ऐसा सा फील आ रहा है छबीमुरा के जंगलों में बोटिंग करते समय। यह है छबीमुरा के जंगल, दी अमेज़न ऑफ इंडिया, कितना जबरदस्त है। यह गुफा और निकलते कहाँ से हैं? अच्छा ओ भाई साहब, ये कहाँ जा रही है? ये चमकादा ना, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा ना। चलो भाई, गुफा के अंदर जाने का ट्राई किया था। ये देखो कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं, कपड़े वपड़े सारे गंदे हो चुके हैं। ये देखो सब। अगली एक्टिविटी है नीर महल में रुद्र सागर में बोटिंग, बोटिंग एट नीर महल। नीर महल की बोटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे शायद ही आप किसी शहर में कर पाए, और रुद्र सागर लेक पे बोटिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। और अगर आप यहाँ पे अपनी पर्सनल स्कूटी या पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट होगी 10 रुपए। अगर आप पैसेंजर बोट करते हैं तो यहाँ पे पर हेड आपका खर्चा आएगा 30 रुपए, और अगर आप यहाँ पे मोटर बोट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 15% की मोटर बोट मिलेगी 450 रुपए में, और 16 से 20% की मोटरबोट मिलेगी 600 रुपए में। यह जगह सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली होती है, और हमारा सजेशन रहेगा कि मॉनसून में इस जगह को अवॉइड करें क्योंकि मॉनसून में यहाँ की बोटिंग बंद होती है। तो गाइस निकल पड़े हैं नीर महल के लिए, एकदम मेरे सामने है नीर महल, बोट की एकदम चोटी पे बैठा हूँ मैं, एकदम टाइटैनिक वाले एरिया पे, एकदम कोने पे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, सुंदर मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की सी धूप है। अब यहाँ की सबसे जबरदस्त एक्टिविटी हम मानेंगे अगरतला का सबसे बड़ा फेस्टिवल, अगरतला एडवेंचर फेस्टिवल। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला में हर साल यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है अगरतला एडवेंचर फेस्टिवल, और इस इवेंट में आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, जैसे हॉट एयर बलून राइड, जिपलाइन, रॉक क्लाइंबिंग, आर्चरी, और इसी के साथ साथ बहुत सारे खेल। आप ये फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं स्वामी विवेकानंदा स्टेडियम अस्तबल ग्राउंड अगरतला में, और यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई भी प्री बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी, और यहाँ पर आने की कोई एंट्री फीस भी नहीं है। यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के आसपास। इन एक्टिविटीज के अलावा भी त्रिपुरा में बहुत एक्टिविटीज हैं जिसकी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक अभी आपको अपने कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगरतला की सारी छोटी बड़ी एक्टिविटीज हमारे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा के होटल्स की। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और अगरतला ही त्रिपुरा की सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, तो त्रिपुरा के सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा होटल्स आपको मिलेंगे अगरतला में ही। त्रिपुरा का एकमात्र और सबसे बड़ा 5-स्टार होटल है पोलो टावर्स, जो कि अगरतला में है। और अगर आपको एक सस्ता बजट होटल चाहिए तो त्रिपुरा में आपको होटल्स पड़ेंगे तकरीबन 800 से 1000 रुपए पर नाइट के। अब त्रिपुरा के होटल्स ढूंढना बहुत ही आसान है, बस आप गूगल पे जाएं और लिखें बुक होटल इन त्रिपुरा, तो आपकी काफी सारी मर्चेंट वेबसाइट खुल जाएंगी। आप किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे जाके त्रिपुरा के एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिखें, अपना चेक इन और चेकआउट डेट लिखें, और आपके सामने खुल जाएंगे वहां के होटल्स। अब क्योंकि त्रिपुरा इतना डेवलप नहीं है कि उसकी हर जगह पे आपको होटल मिल जाए, इसलिए अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की आइटिनरी की, कि अगर आप त्रिपुरा घूमना चाहते हैं तो आपकी आइटिनरी किस तरीके की होनी चाहिए ताकि आप पूरा त्रिपुरा अच्छे से देख पाएं। हमारे हिसाब से पूरा त्रिपुरा देखने के लिए आपको तकरीबन लगेंगे 5 से 6 दिन, और इन 5 से 6 दिनों की आइटिनरी में आपको त्रिपुरा की अलग अलग जगह जाकर स्टे भी करना पड़ सकता है। हालांकि इन 5 से 6 दिनों में आप त्रिपुरा की ऑलमोस्ट सारी बड़ी अट्रैक्शंस घूम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 की। आपकी डे 1 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप त्रिपुरा अराइव करेंगे अगरतला से, तो जिस दिन आप त्रिपुरा में अराइव करेंगे उस दिन अगरतला से आप डायरेक्टली टैक्सी लेके निकल पड़ेंगे नॉर्थ त्रिपुरा की तरफ,
और उस रात को आपका स्टे होगा जम्पुई हिल्स में। जी हाँ, ऑलमोस्ट पूरा डे वन आप ट्रैवलिंग के लिए रखेंगे और सीधा जाके स्टे करेंगे जम्पुई हिल्स में। जम्पुई हिल्स में भी होटल्स बुक करना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी आम मर्चेंट वेबसाइट पे लिखेंगे होटल्स इन जम्पुई हिल्स तो शायद आपको वहाँ पे वो होटल्स ना मिले। तो आप सीधा गूगल पे लिखिए होटल्स नियर जम्पुई हिल्स, तो आपको कुछ मर्चेंट वेबसाइट दिख जाएंगी जैसे tripadvisor.com या फिर trip.com जो आपको जम्पुई हिल्स के आसपास गेस्ट हाउसेस और होटल्स दिखा देंगे। डे टू की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिस दिन आप घूमेंगे जम्पुई हिल्स और उन्नाकोटी रॉक कार्विंग। तो डे टू शुरू करते ही आप सबसे पहले घूमेंगे जम्पुई हिल्स। अगर आपको त्रिपुरा की जन्नत देखनी है तो आप जाइए जम्पुई हिल्स, जिसे त्रिपुरा की क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ये अगरतला से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए एक शांत वातावरण में अपने दिमाग को शांत करने आ सकते हैं। अगर आप जम्पुई हिल्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं यहाँ के ऑरेंज ट्रीज, जैक फ्रूट ट्रीज, यहाँ का जबरदस्त सनसेट और सनराइज। जम्पुई हिल्स में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का। नमस्ते भाई, यहाँ का बिल्कुल ही एक ट्राइबल एरिया है। हाँ, पक्के घर भी बहुत सारे हैं। देखो भाई, पहले जो थे ये ट्राइबल एरिया, हम लोग यहाँ पर आ गए और इनकी जमीन हथियाली, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी वजह से ये जो हम सुनते हैं ना नक्सलवादी, वो यही लोग होते हैं कि इन्होंने हमने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया, तो नाउ दे आर एंग्री कि हमारी जगह से जाओ। लेकिन जैसे हमारे संजय साहब, हमारे ड्राइवर साहब, उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बोला था कि जो भी ट्राइबल अपने हथियार सरेंडर करेगा हम उसे नौकरी देंगे। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीज सुधर गई। अब यहाँ पे ज्यादा लोग नक्सलाइट्स नहीं है, दे आर पीसफुल, मिलजुल के रह रहे हैं। जम्पुई हिल्स घूमने के बाद आप निकल पड़ेंगे उन्नाकोटी रॉक कार्विंग के लिए। अगरतला से 170 किलोमीटर दूर पड़ता है उन्नाकोटी। उन्नाकोटी एक पहाड़ी का नाम है जिसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। उन्नाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम, और माना जाता है कि यहाँ पर इतनी ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उन्नाकोटी एक हिस्टोरिकल साइट है और यहाँ पे एंट्री करने की कोई फीस नहीं है, और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का। अब उन्नाकोटी घूमने के बाद आप वेस्ट त्रिपुरा की तरफ वापस चलेंगे और अपना स्टे लेंगे डायरेक्ट उदयपुर में। उदयपुर में भी होटल्स आप आसानी से बुक कर सकते हैं, किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे आपको उदयपुर के होटल मिल जाएंगे। जब हम उदयपुर गए थे तो हम वहाँ पे रुके थे इंपीरियल होटल में, जो कि उस समय उदयपुर का वन ऑफ द बेस्ट होटल था। अब डे थ्री की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिस दिन आप घूमेंगे डम्पूर लेक, हैंगिंग ब्रिज, डम्पूर वाटरफॉल और चाबीमुरा। तो डे थ्री में सुबह सुबह उठते ही आपने अपनी टैक्सी ली और आप निकल पड़े डम्पूर लेक के लिए। डम्पूर लेक जाते समय जो सबसे पहले अट्रैक्शन आप देखेंगे वो होगी डम्पूर वाटरफॉल। नेक्स्ट जगह है ये, इस जगह का नाम है डम्पूर वाटरफॉल्स। डम्पूर वाटरफॉल्स डम्पूर लेक से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरता है, और अगर इस वाटरफॉल में कुछ भी गिर जाए तो वो बच नहीं सकता। ये वाटरफॉल डम्पूर लेक जाते हुए रास्ते में पड़ता है और साउथ त्रिपुरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट में ये वाटरफॉल जरूर आएगा। इस वाटरफॉल में आने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर आने का बेस्ट समय है ऑल ओवर द ईयर। आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, ये वाटरफॉल हमेशा चलता रहता है। तो गाइस, ये है नेक्स्ट जगह, इस जगह का नाम है डम्पूर हैंगिंग ब्रिज। ये डम्पूर लेक से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इस जगह की सबसे खास बात है कि ये बहुत ज्यादा पुराना पुल है और तब भी ये आज तक यूज होता है। तो डम्पूर लेक की तरफ जो तीन चीजें घूमने वाली है उनमें से एक है ये डम्पूर हैंगिंग ब्रिज। डम्पूर हैंगिंग ब्रिज एक सस्पेंशन केबल हैंगिंग ब्रिज है जो कि लोगों के पैदल आने जाने के लिए यूज होता है। इस जगह को घूमने में आपको लगेंगे तकरीबन 15 मिनट, और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। डम्पूर हैंगिंग ब्रिज देखने के बाद समय होगा डम्पूर की फेमस बोट राइड करने का, आइलैंड्स ऑफ डम्पूर लेक। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से 120 किलोमीटर दूर बसा त्रिपुरा का मिनी ओशन माने जाने वाला लेक है डम्पूर लेक। डम्पूर लेक की सबसे खास बात है यहाँ की बोटिंग, और बोटिंग करते हुए डम्पूर लेक के आइलैंड्स एक्सप्लोर करना। डम्पूर लेक में एंट्री की कोई फीस नहीं है और यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस होते हैं 200 रुपीज पर पर्सन ऑन शेयरिंग बेसिस, और अगर आपको अपनी प्राइवेट बोट बुक करानी है तो आपको पर सीट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। डम्पूर लेक में आने का बेस्ट टाइम है विंटर्स के टाइम, क्योंकि उसी समय यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड्स की चहल पहल सुनाई देती है। डम्पूर लेक देखने के बाद हम जाएंगे अमरपुर की तरफ, और अमरपुर में ही हम करेंगे अपना लंच। लंच के बाद हम देखने जाएंगे दी अमेज़न ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं चाबीमुरा। चाबीमुरा जो कि अमेज़न ऑफ इंडिया के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे जंगलों के बीच से बह रही नदी के ऊपर मोटरबोट या फिर कयाकिंग करना पूरे त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फेमस है। चाबीमुरा प्रसिद्ध है अपने खड़ी पहाड़ियों के दीवारों पर बनी नकाशियों के लिए। यह जगह अगरतला से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पहुँचने के लिए आप किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर लोकल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोटरबोट राइड और कयाकिंग करने के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। चाबीमुरा का यह टूरिस्ट
स्पॉट सुबह 5 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे घूमने का सबसे सही समय होगा या तो प्रातःकाल या फिर शाम को। हमारा सजेशन रहेगा कि आप मॉनसून के समय यह जगह इग्नोर कर सकते हैं। चाबीमुरा देखते हुए हमें शाम हो सकती है और तकरीबन 4 से 5 बजे तक हम निकल पड़ेंगे वापस उदयपुर के लिए, और उदयपुर में हम शाम को देखेंगे पूरे त्रिपुरा का सबसे फेमस त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर। जो अगली जगह हमारी त्रिपुरा की लिस्ट में है वो है ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जो कि त्रिपुरेश्वरी टेम्पल या फिर माधवरी टेम्पल नाम से भी मशहूर है। ये जगह घूमने में लगेंगे आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे और 5 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना पड़ता है माता के दर्शन के लिए। तो अगर आप त्रिपुरा घूमने आ रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस, और यहाँ आने की कोई टिकट नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मंदिर की प्रमुख देवता माँ काली की मूर्ति गर्भगृह में खड़ी है और यह लाल रंग के काले पत्थर से बनी हुई है, जिसे बंगाली में किश्ती पाथर भी बोला जाता है। इस मंदिर में आने की कोई टिकट नहीं है और यहाँ पे आने का समय है गर्मियों में सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। तो अगर आप त्रिपुरा घूमने आ रहे हैं तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जरूर कीजिएगा। अब आपकी डे 3 की नाइट भी होगी उदयपुर में, तो उदयपुर में होगा हमारा 2 दिन का स्टे। अब डे 4 की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप घूमेंगे तिपानिया इको पार्क, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीर महल। तो उदयपुर में डे 4 पे उठते ही आप सबसे पहले घूमने जाएंगे उदयपुर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तिपानिया इको पार्क। तो गाइस जो अगली जगह है त्रिपुरा में घूमने के लिए वो है ये, त्रिपुरा में उदयपुर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इस पार्क की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ की टिकट है सिर्फ 10 रुपए की, और अगर आप अंदर स्टिल कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस इको पार्क की सबसे खास बात है यहाँ के ऑर्किड फूलों के बगीचे, यहाँ का कैक्टस हाउस, यहाँ के ट्री हाउस, यहाँ का हैंगिंग ब्रिज और यहाँ की वाटर बॉडी बम्बू हट्स। इस पार्क में आपको कॉटेजेस, वाटर टाउन नर्सरी और फूड कोर्ट भी मिलेगा, और ये पार्क घूमने के लिए आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तिपानिया इको पार्क घूमने के बाद आप निकल पड़ेंगे साउथ त्रिपुरा के लिए, जहाँ पे हम देखेंगे कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की एक और फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो की एस्टेब्लिश हुई थी 1988 में, और ये जगह अगरतला से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर है। द इंडियन गॉड यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, और द इंडियन गॉड में आप देख सकते हैं बहुत तरीके के वाइल्ड एनिमल्स, जैसे डियर, गिबन, गोल्डन लंगूर, कैप्ड लंगूर और ऐसे ही बहुत सारे तरीके के रेप्टाइल्स। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने में आपको लगेगा तकरीबन 1 दिन, और यह सेंचुरी हफ्ते के 6 दिन खुली होती है एक्सेप्ट ट्यूसडे को। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के बाद हमारा सफर शुरू होगा अगरतला तक का, लेकिन रास्ते में हम जाएंगे त्रिपुरा का सबसे फेमस वाटर पैलेस, जिसका नाम है नीर महल। तो गाइस जो अगली जगह है वो है ये नीर महल, जो वाटर पैलेस के नाम से भी मशहूर है। ये महल अगरतला से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे है और इस नीर महल की टिकट है 30 रुपए, लेकिन नीर महल आने के लिए आपको बोट करके आना पड़ेगा और उस बोट की टिकट आपकी पड़ेगी 50 रुपए की। एक बोट में तकरीबन 20 लोग आते हैं, जब वो 20 लोग भर जाते हैं तभी वो बोट चलाते हैं। 50 रुपए में आपको एक बोट में आना और जाना मिलेगा, जिसमें आपको ये महल घूमने के लिए सिर्फ 40 मिनट मिलेंगे। नीर महल, जिसका मतलब होता है वाटर पैलेस, त्रिपुरा का ये लेक पैलेस या नीर महल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है। यह जगह राजा और उसके परिवार के गर्मियों में रहने के लिए बनाई गई थी। इस महल में आप लाइट और साउंड शो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। नीर महल आने का सबसे सही समय है अगस्त से लेकर दिसंबर तक का। नीर महल देखते देखते आपको शाम हो सकती है, और फिर आप अपना सफर शुरू करेंगे अगरतला तक का, जो आप पहुंच जाएंगे तकरीबन 1 घंटे में, और डे 4 की नाइट हमारी होगी अगरतला में। अगरतला में आप कोई भी तरीके का होटल ले सकते हैं। जो होटल हमने अगरतला में किया था उसका नाम था पोलो टावर्स। डे 5 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आप अगरतला में सुबह सुबह उठेंगे और घूमेंगे पूरा अगरतला। अगरतला में जो जो जगह घूमने की है उसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन अगरतला, जो आप घूमेंगे डे 5 में, जिनमें आते हैं अगरतला का उजंतिया पैलेस, वहां का जगन्नाथ बारी मंदिर, त्रिपुरा ट्राइबल म्यूजियम, अगरतला का मिनिएचर पार्क जिसे कहते हैं हेरिटेज पार्क, और इसी के साथ साथ और बाकी सारी जगहें। तो डे 5 की नाइट भी आप स्टे करेंगे अगरतला में। तो डे 5 की नाइट आप चाहें तो वापसी की ट्रेन या फ्लाइट अगरतला से ले सकते हैं, या फिर आप डे 5 स्टे कर सकते हैं अगरतला में और डे 6 को अपनी रिटर्न फ्लाइट या ट्रेन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरीके से पूरा त्रिपुरा घूमने में आपका खर्चा कितना होगा। त्रिपुरा में आप 2 तरीके का ट्रिप बना सकते हैं, एक लग्जरी ट्रिप और एक नॉर्मल ट्रिप। अगर आप लग्जरी ट्रिप बनाते हैं तो हमने लिया है कि आप फ्लाइट से वहां जाएंगे, जिसमें आपका खर्चा आएगा तकरीबन 8,000 रुपए। हालांकि फ्लाइट का खर्चा आपकी डिपार्चर स्टेट पे डिपेंड करता है, हमने इस जगह पे टेंटेटिव फ्लाइट्स के टिकट लिए हैं। अगर आप लग्जरी ट्रिप कर रहे हैं तो हो सकता है अगरतला में एक दिन आपका 5 स्टार होटल में रहे तो आपका 5 दिन का होटल का खर्चा आ सकता है
तकरीबन 11,000 रुपए। ये सारी अट्रैक्शंस में ज्यादा फीस नहीं लगती तो 1,000 रुपए अट्रैक्शंस का, 6,000 रुपए आपके खाने पीने का। और लग्जरी ट्रिप में हमने मान के चला है कि आप अगरतला से अपने साथ 5 दिन के लिए एक टैक्सी रखेंगे जिसका खर्चा 10,000 से 11,000 रुपए आएगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज भी करते हैं तो उसका खर्चा 2,000 रुपए। तो टोटल आपकी लग्जरी ट्रिप का खर्चा आ सकता है 39,000 रुपीज। इसी के साथ अगर आप एक नॉर्मल त्रिपुरा का ट्रिप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ट्रेन से आए जिसका खर्चा होगा 1,800 रुपए। पांचों दिन के होटल आपके 5,000 रुपए में आ जाएंगे। अट्रैक्शन, फूड और एक्टिविटीज का सेम खर्चा होगा। और आप टैक्सी की जगह ट्रैवल कर सकते हैं बस से जिसका खर्चा होगा 2,000 रुपए। तो त्रिपुरा का आपका एक नॉर्मल ट्रिप 5 से 6 दिन का बनेगा 17,000 से 18,000 रुपए तक का। तो ये थी हमारी तरफ से त्रिपुरा की एक शॉर्ट गाइड जिसे फॉलो करके आप पूरा त्रिपुरा बड़ी आराम से घूम सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, फिर दबाएं घंटे का निशान, और उसके बाद दबाएं ऑल नोटिफिकेशंस। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि त्रिपुरा का एकमात्र 5-स्टार होटल का नाम क्या है, तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। आपको पता ही है जो भी हमारी मेंबरशिप लेता है और एक महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उसे मिलते हैं कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश एब्सोल्युटली फ्री। इस कमेंट कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स आपको हर मंथ के सबसे फर्स्ट सैटरडे के लाइव सेशन में दिए जाएंगे। जी हाँ, अनुज ब्रिकेट पे हर मंथ का सबसे पहला सैटरडे पे हम करते हैं लाइव सेशन जिसमें हम पिछले मंथ के कमेंट कॉन्टेस्ट के विनर भी डिक्लेयर करते हैं। तो आज ही हमारी मेंबरशिप लीजिए और खेलते रहे कमेंट कॉन्टेस्ट। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।